ये मेरी प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज है शनिवार और मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब सेकंड थर्ड, आज दिवाली का थर्ड डे है और मैंने दिवाली पर कोई भी वीडियो ऐसा शूट नहीं किया था, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि वो फैमिली टाइम था और मैं फैमिली के साथ ज़्यादा थी। तो मैं जैसा कि कुछ कुछ वीडियो में मैंने शेयर किया होगा कि मैं फैमिली को ज़्यादा अपने ब्लॉग्स में नहीं लेती हूँ, शॉर्ट वगैरह में ले लेती हूँ लेकिन ब्लॉग्स में नहीं लेती हूँ, किसको पसंद के बारे में नहीं कह सकती। तो आज थर्ड डे है और आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज घर के लगभग लगभग सारी, मतलब कुछ लोग घर से चले गए हैं, दिवाली हो गई है तो सारे लोग जिसको जहाँ जाना था चले गए हैं और अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूं और थोड़ी सी, मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, 2 दिन से तबीयत डाउन है, जिससे अंदर से लग रहा है फीवर हो जाएगा, हाथ में पैर में इतना दर्द बना रहता है कि हमेशा नींद जैसी आती है, कुछ मन नहीं करता है, कुछ करने का भी मन नहीं करता, थोड़ा बहुत जो समझती हूँ कर लेती हूँ बाकी। और बीमारी तो थी और सब लोग घर से चले गए हैं तो और भी बुरा बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जहाँ जा रही हूँ बस लग रहा है जैसे खाली 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 लग रहा है। और घर में बहुत सारे लगता है ना कि जैसे अपने ग्रुप के लोग नहीं रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, एक दो लोग हैं जिनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं सब तो फिर नहीं हो पाता है, सब लोग अपना पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं और मैं ऐसे अकेले बीमार रहती हूँ। थोड़ा अगर कोई बात करने वाला साथ में रहता है तो फिर अच्छा लगता है, अगर नहीं है तो जैसे लगता है और भी पेन हो रहा है और समस्याएं बढ़ रही हैं तो फिर। और मेरे साथ ये कंडीशन है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ, अकेली मैं रहना नहीं चाहती लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे कि मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा अकेली रहूँ, मुझे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। और जब मैं अकेली रहती हूँ तभी मुझे दिक्कत हो जाती है कि यहाँ से मैं कुछ उल्टा सीधा इधर उधर सोचती रहती हूँ, फिर मेरा दिमाग काम करना नहीं करना बंद कर देता, मैं बहुत झल्लाती हूँ, इतनी ज़्यादा चिल्होती हूँ, मुझे अपने आप से भी गुस्सा आती है, सामने जो पड़ जाता है उस पर भी गुस्सा कर लेती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती, जिसके साथ शेयर करती भी हूँ वो मेरी इस परेशानी को समझता नहीं है, लोग सोचते हैं कि बस ऐसे इनकी हैबिट है पर मेरी हैबिट नहीं है, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं अपनी हरकत से खुद ही परेशान रहती हूँ। और जब मैं अकेली रहती हूँ तो ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, और कोई मेरे साथ रहता है जैसे मेरी टीम के जो लोग हैं, मतलब जिनके साथ मैं अपना कुछ शेयर कर सकती हूँ उनके साथ कर लेती हूँ, थोड़ा मन हल्का रहता और अच्छा भी लगता है। तो और जब कोई नहीं रहता है तो बस मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं रहता है, एक बस बच्चा है मेरा, जब तक मेरा मेरे साथ रहता है तब तक मैं सही रहती हूँ। तो ऐसे तमाम ख्यालात सुबह से आ रहे थे, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, परेशान तो मैं 2 दिन से हूँ लेकिन सुबह से ज़्यादा परेशान थी। तो सोचा कि आज थोड़ा सा कुछ क्लिप ऐड करूँगा आप लोगों के साथ, और क्या मेरी ये कहानी आप लोग सुनेंगे, किसी को बहुत ज़्यादा इतना सब कुछ चल रहा है तो रोज़ रोज़ का रोना धोना मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे की प्रॉब्लम कौन सुनना पसंद करेगा, आदमी खुद ही दुखी है तो किसका क्या सुनेगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ये सब नहीं कहना चाहती हूँ, बस आज दिमाग में आया तो सोचा, कभी कभी सोचती हूँ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ ताकि मन हल्का हो जाए, और हो सकता है कि कहीं और ना कर, क्योंकि कुछ लोगों की डायरी वरी लिखने की हैबिट होती है, डायरी वगैरह लिखते हैं और मेरी ये सब हैबिट नहीं है, सोचती हूँ कि चाहे कोई देखे या ना देखे थोड़ा बहुत अपना मन हल्का करने के लिए थोड़ा डाल दूँ कर दूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या डालूँ, दूसरों की परेशानी देख के हो सकता है कि ऐसे, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं, खुद नहीं समझ पा रही हूँ, बाकी रोज ऐसा चल रहा है। अगर कोई मेरी तरह परेशान, मतलब कोई भी ज़्यादा परेशान हो
ये बताया कि मैं इस चीज़ को कैसे, अगर किसी के पास सॉल्यूशन हो इस बात का कि मैं अपने आप को इस सब दिक्कत से मैं हटाऊं कैसे, इसको इग्नोर कैसे करूं, तो प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सोचती हूँ पढ़ूँ, पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत मैं स्टडी भी कर लेती हूँ, लेकिन मन नहीं करता है बहुत ज़्यादा। जैसे लगता है यहाँ से मैं तैयार ही नहीं हो पा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अदर फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है कहीं और जाऊँ, तो वो सब भी है डिप्रेशन का कारण मेरे, और समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ कैसे। ये सबसे बहुत हटना चाहती हूँ, बहुत बचना चाहती हूँ, लेकिन हट नहीं पा रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि कोई सामने से समझना नहीं चाहता है ना कि मैं परेशान हूँ। बताती हूँ, समझाती हूँ सबको, लेकिन कोई नहीं समझता। सब लोग सोचते हैं मेरी हैबिट है ऐसे करने की, लेकिन मुझे खुद ही अपनी हरकतों पे कभी कभी होता है पछतावा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। पता नहीं कभी ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है मेरी लाइफ में, और तो मैं किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। उसका रीज़न ये है मैं अपनी लाइफ से बहुत उड़ चुकी हूँ, और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी किसी के साथ, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहूँगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आप लोग ये मेरा रूप जो देख रहे हैं कि मैंने कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि मैं 2 दिन से परेशान हूँ, इसीलिए कुछ भी मन नहीं किया। अब जब करेगा मन तो तैयार हो जाऊँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मूड होगा तो फिर शेयर करूँगी, आज बस इतना ही।